सेनापती बापट या लोकांच्या बरोबर त्यांनी काम केलेलं आहे. संयुक्त महाराष्ट्र मिळवण्यामध्ये मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालीच पाहिजे हा त्यावेळेचा जो नारा होता तो प्रत्यक्ष आवती साप्ताहिक 11 जून 1966 सुरू झालं. तिथपासून मी बाळासाहेब ठाकरेंनी 15 डिसेंबर 1988 सामन्यामध्ये माझी निवड केली. 25 वर्ष सामन्यामध्ये मी सेवा बजावून निवृत्त झालो. सामन्यामध्ये जाण्यासाठी विजय वैद्यांनी मला प्रोत्साहन दिलं आणि त्याच्यानंतर मी गेल्या 50 वर्षापूर्वी अधिक काळ मी पत्रकारितेत काम करतो आहे. आज आमच्या पत्रकारितेमध्ये आम्ही जे काम करतो आहे त्याबद्दल अभिजित राणेंनी या व्यासपीठावर आमचा सन्मान करून त्याबद्दलची पावती दिली त्याबद्दल आम्ही त्यांच्याबद्दल आम्ही कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि मी त्यांना सुयश चिंतितो उदंड आयुष्य आणि ठणठणीत आरोग्य लाभो हीच परमेश्वराकडे मी प्रार्थना करतो. धन्यवाद. जय हिंद. जय महाराज. सडक कामगार युनियनमार्फत आमचा जो सन्मान करण्यात आला त्याबद्दल
आज धडक कामगार युनियन मार्फत आमचा जो सत्कार करण्यात आला त्या सत्काराबद्दल मी अभिजीत राणे, अनगा राणे, अशोक राणे, अमोल राणे यांना धन्यवाद देतो। त्याचबरोबर आज कामगार क्षेत्र जवळपास नष्टत्वाला येत असताना अभिजीत राणे उभारी देत आहेत त्यांच्या प्रयत्नातून, त्यांना या कार्यात यश लाभो एवढंच सुयश चिंतितो आणि माझे दोन्ही थँक्यू नमस्कार। मी वचनाबाई अपंग सेवा संस्थेचा अध्यक्ष अरुण पुंडलिक गव्हाणे आज आम्हाला या जागेवरती कामगार दिनानिमित्त अवॉर्ड मिळालेला आहे धडक कामगार युनियनच्या माध्यमातून। त्यांच्या आम्ही हार्दिक आभार मानतो आणि असंच काम अभिजीत राणेंचं चालू आहे आणि सर्व कामगारांना मी शुभेच्छा देतो। विशेष रूप से जो जिस तरीके से वो काम करते हैं मुंबई में बापू सौंदर जिंदा होता है आज कामगार दिनानिमित्त सर्वांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते। आणि आज हा अवॉर्ड जो मिळाला आहे आम्हाला धडक कामगार युनियन यांच्या वतीने, तर आज हा सन्मान आमच्या उच्चलाबाई अपंग सेवा संस्थेचाच नाही तर सर्व महाराष्ट्रातील सर्व दिव्यांग बंधू भगिनींचा आहे, त्यासाठी आम्ही खूप खूप आभार आहोत। नमस्कार। आज महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनाच्या निमित्ताने धडक कामगार युनियनतर्फे अनेक संघटनांचा सन्मान केला जातो आणि आज वच्छलाबाई अपंग सेवा संघटनेचा हा सन्मान येते आणि त्यांना सन्मानासाठी ते क्रमप्राप्त धरलं हे महाराष्ट्रभरातल्या आणि देशभरातल्या सर्व दिव्यांग बांधवांसाठी एक आनंदाची गोष्ट आहे। ही संघटना तयार करताना अविरत संघर्ष करावा लागला, पण ह्या संघर्षामध्ये अरुण श्री पुंडलिक गव्हाणे जे या संस्थेचे अध्यक्ष आणि सर्वसर्वे आहेत यांच्या पाठीशी अभिजीत राणे सर एक आशीर्वादाची नादाराची ढाल बनले आणि त्यांच्या या आशीर्वादाच्या ढालीमुळे थेंब थेंब तळे सासे असे अपंग सेवा संघटनेचे जवळपास म्हणजे 8,000 जास्ती महाराष्ट्रात त्यांचे सदस्य आहेत आणि त्यांचा आज इथे सन्मान झाला आणि या सन्मानामधून अरुण गव्हाणेंना आणि सर्व पदाधिकाऱ्यांना या सन्मानातून अजून काम करण्यासाठी एक प्रचंड बळ आणि प्रचंड शक्ती मिळेल या सन्मानातून। धन्यवाद। सर्वप्रथम आज 1 मे महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिन असल्यामुळे सर्व जनतेला महाराष्ट्र दिनाच्या आणि कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज कामगार दिनानिमित्त धडक कामगार युनियनचे संस्थापक श्री अभिजीत राणे साहेब यांनी हा 2024 पुरस्कारासाठी पोलीस इन्स्पेक्टर आहे यासाठी त्यांनी माझा या ठिकाणी माझी निवड केली याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो। याचं महत्त्वाचं कारण असेल तर मी ज्यावेळी इंडोशी पुलिसमध्ये असताना संतोष नगर पीठमध्ये होतो या ठिकाणी नितीन तोरसकर साहेब आहेत पत्रकार, पब्लिक रिलेशन पब्लिक आणि पोलीस यांच्यामधला दुवा यांच्यामधला असलेला आपुलकीचं संबंध प्रेम नातं याचं हे मी म्हणेन की मला दिलाचं रिवॉर्ड आहे, त्याचं हे प्रतीक आहे। पोलीस आणि जनता यांच्यामधला संवाद कसा असावा त्याचं ते त्यांचं असणारं आमच्यावरचं प्रेम मी या माध्यमातून एवढंच जनतेला आव्हान करेन। आम्ही तर नेहमी आपल्या पाठीशी असतो तर आपण सर्वांच्यामुळे मला जे आज रिवॉर्ड मिळालं असंच आपण आमच्या पोलीस बांधवांच्यावरती विश्वास दाखवा, आमच्यावरती असंच प्रेम राहावं आणि आम्ही सुद्धा आपल्या हमेशा आपल्या पाठीशीच आहोत। परत एकदा मी धडक कामगार युनियनचे संस्थापक अभिजीत राणे साहेब त्यांची पूर्ण टीम सर्व पत्रकार बंधू भगिनी यांना मी शुभेच्छा देतो आणि कामगार त्यांना शुभेच्छा देऊन शब्द पूर्ण करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थँक्यू।
आप लोग। धन्यवाद जी, मैं दीनदयाल मुरारका फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ और मैं पेपर में लगातार लिखते रहता हूँ। मुझे धड़क कामगार यूनियन के अध्यक्ष माननीय अभिजीत राणे जी ने आज पुरस्कार के लिए चयनित किया, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं विशेष रूप से आभारी हूँ श्री राजेश जी विक्रांत का, जो हमेशा मेरे संपर्क में रहते हैं और सामना में लगातार उनके लेख लिखे जाते हैं, मेरे भी स्तंभ सामना में हमेशा आते रहते हैं। दोस्तों, ये पुरस्कार हमें बहुत कुछ अच्छे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये सिर्फ पुरस्कार नहीं वरन अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहन देने का एक तरीका है। अतः मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, विशेष रूप से अभिजीत राणे एवं राजेश विक्रांत जी, धन्यवाद। आप बोलिए ना सर। दोघांनी दोन्ही सिनियर माणसाने, म्हणजे दोन्ही सिनियर यांनी आत्ता जे काही हे केलेलं आहे बोलले आहेत त्याच्याशी मी सहमत आहे। अभिजीत राणे यांचं खरोखरच कौतुक केलं पाहिजे, एवढे वर्ष ते अवॉर्ड फंक्शन करत आहेत। आणि आपल्या सर्वांना सांगू इच्छितो की महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा, आणि अभिजीत राणे यांनी माझं चयन केलं या ट्रॉफीसाठी त्यांचे पण खूप खूप आभार। ट्रॉफी दाखवा सर, दाखवा। थँक्यू सर, थँक्यू। नमस्कार दोस्तों, आप सभी मीडिया के साथियों का अभिनंदन। मेरा नाम हिरेंद्र झा है, मैं पेशे से एक राइटर हूँ, कई किताबें लिख चुका हूँ, टीवी शो लिख चुका हूँ, अब फिल्में लिख रहा हूँ। और आज मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर अभिजीत राणे साहब के सौजन्य से और धड़क सम्मान से मुझे सम्मानित किया गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और सम्मान जब भी किसी को मिलता है, किसी को भी मिलता है, तो अच्छा लगता है, ये गौरव का पल है। और मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और बस यूँ ही हम कुछ अच्छा करते रहें और कुछ समाज में कुछ प्रेरणादायक कुछ कर सकें कि सम्मान मिलता रहे, लोगों का प्रेम मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है, उसके अलावा महाराष्ट्र में महाराष्ट्र दिन भी बड़े पैमाने में मनाया जाता है। और निश्चित तौर पर धड़क कामगार यूनियन के माध्यम से अभिजीत राणे पिछले कई सालों से आम कामगारों को न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र हो या पूरे देश में कामगारों की स्थिति कुछ खास नहीं है, तो उनके लिए जो अलग अलग कानून बन रहे हैं जो सरकार प्रावधान कर रही है, तो कहीं ना कहीं तो धड़क कामगार यूनियन के माध्यम से अभिजीत राणे उन्हें न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। मैं अभिजीत राणे और पूरी उनकी टीम को भविष्य के लिए शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज महाराष्ट्र दिवस और अंतर्राष्ट्रीय जो कामगार दिवस है उसके उपलक्ष्य में जो धड़क कामगार यूनियन की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ये अतुलनीय है। क्योंकि यहाँ पे न सिर्फ कामगारों की को प्रोत्साहन देने का काम किया गया, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में हिंदी, मराठी और अन्य भाषा में जो साहित्यकार काम कर रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम में जो प्रेस के जो अच्छे रिपोर्टर हैं, सबका सम्मान किया गया। वे समाज को एक रूप में बांधने की हिसाब से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और बहुत ही प्रेरक है। धन्यवाद। यस सर। जिसे आज अभिजीत राणे साहब की संस्था धड़क कामगार यूनियन ने मुझे साहित्य के लिए उपन्यास कुलक्षणी के लिए जिस उपन्यास को महाराष्ट्र सरकार हिंदी साहित्य अकादमी ने पुरस्कृत किया है, इसके लिए आपके संस्था ने मुझे आज यहाँ बुलाकर सम्मानित किया है। आपके प्रति मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे अभिजीत राणे साहब दिन दूनी रात चौगुनी अपने जीवन पथ पर अग्रसर होते रहें और सब परिवार स्वस्थ व प्रसन्न रहें। मैं गीतकार हरीश चंद्र उन्हें प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, उनकी सुख समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बात पुरस्कार की नहीं है,
पुरस्कार किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है, उसकी प्रतिभा को मिलता है। उसने जो काम किए हैं समाज के लिए, देश के लिए, पुरस्कार उसको मिलता है। भक्ति को ये मेरा पुरस्कार नहीं है, ये राष्ट्रभाषा हिंदी का पुरस्कार है, ये महाराष्ट्र का पुरस्कार है और ये जन्मभूमि का पुरस्कार है। बहुत बहुत शुक्रिया राणे भाई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे भी ऐसे चलता रहे, मैं मेरा आशीर्वाद है आपको बहुत बहुत। भाषा से कोई मतलब नहीं है, हर भाषा का है कि समझ सबसे बड़ी भाषा है। जो मैं बोल रहा हूँ आप समझ रहे हो, ये सबसे बड़ी भाषा है। हिंदी हो पंजाबी हो या मराठी हो है तो भारतीय भाषा, तो हमें हमेशा अपनी भाषा पे बहुत गर्व होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। राणे जी की तरफ से जो है ये अनेक विधा में लेखों को मिला है, तो इसके लिए धन्यवाद मैं देता हूँ उनको, और ऐसे ही उनकी कामगार जो यूनियन है आगे बढ़े, और बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और मैं शुभेच्छा देता हूँ कि इसी तरह से लोगों की सहायता करते रहें। मुझे आकर यहाँ बहुत अच्छा लगा। विक्रांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया। अजय राणी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दिवस के लिए, महाराष्ट्र दिवस के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम जैसे कलाकारों को बुला के यहाँ पर सम्मानित किया जाता है, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, चलो थैंक यू। मुंबई मित्रासाठी बोल चालेल ना, रेकॉर्ड होणार आहे की म्हणजे असंच होतं? रेकॉर्ड आहे, रेकॉर्ड आहे। नमस्कार, मी भूषण सहदेव तांबे, मुंबई मित्रासाठी मी गेली अनेक वर्षे पत्रकारितेसाठी काम करतो आहे, आणि अभिजित राणे सर जे धडक कामगार युनियनचे अध्यक्ष आणि संस्थापक आहेत, त्यांनी माझं पत्रकारितेचं कार्य पाहून मला विशेष पुरस्कार दिलात, आणि ते पण महाराष्ट्र दिन 1 मे या दिनानिमित्त मला पत्रकारितेमधून पत्रकारितेसाठी विशेष योगदान म्हणून जो पुरस्कार दिला त्याबद्दल मी अभिजित राणे सर आणि धडक कामगार युनियनचे आभार मानतो, आणि त्यांनी मला जो आतापर्यंतचा जो पाठिंबा दिला आहे आणि माझ्यावर जो विश्वास ठेवला आहे त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार, धन्यवाद। मैं लेडीज हूँ और जो मैं काम करती हूँ आप लोग ने शायद देखा रहेगा, स्टंट वुमेन हम जो करते हैं, स्टंट वुमेन जो जैसे कि 25 माला या फिर हो गया 50 रूप, बहुत जैसे हाइटेज रहती है, गाड़ी में से रोल जंप है, गाड़ी से जंप है, गाड़ी बाइक स्कीट करना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं जो आपने फिल्मों में देखा रहेगा कि कैसे होता है, कहाँ से स्टंट होता है, कैसे कौन कहाँ से गिर रहा है, तो वो चीज़ें हम करते हैं स्टंट वुमेन, और पूरा हमारा टीम होता है उनके साथ हम करते हैं। और यहाँ अभिजीत सर ने हमको बुलाया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो राणे सर को मैं थैंक यू सो मच, सर को मैं थैंक यू सो मच बोलूँगी, क्योंकि जो काम हम जो करते हैं स्टंट के वो पर्दे के पीछे करते हैं, सो हम ज़्यादा दिखते नहीं स्टंट में, मतलब 5, 6, 17, 15 माले से जंप करते हैं, फायर शॉट करते हैं, हम मतलब रोलिंग करते हैं, सीढ़ी से रोल करते हैं, सब करते हैं, तो वो हम स्टंट कर नहीं पाते, तो वो हीरो लोग करते, वो हम करते, तो हम पर्दे के पीछे ही दिखते हैं, तो ज़्यादा हमसे कोई मुलाकात भी नहीं होती, तो सर इस कारण हमने सर बुलाए और सबको दिखाया कि हम क्या करते, तो सो थैंक यू सो मच। मैं सर को इतना ही बोलूँगी कि हमें यहाँ बुलाए और आपकी वजह से हम दिखे, थैंक यू सो मच। फोटो बनाए हो जी, मैं बहुत आभारी हूँ उनका, और हमारा शो इमली में उनने बहुत सपोर्ट किया है रन करने में सक्सेसफुली, जो चल रहा है, एंड हमेशा हमारे प्रोडक्शन हाउस में उनका सपोर्ट रहता है, वी आर एसोसिएटेड विद, आगे भी हम उनके साथ रहेंगे, अभी आगे नए शोज आ रहे हैं, वी आर थैंकफुल टू हिम की इज़ ऑलवेज सपोर्टिंग अस। ये हमारा एसोसिएशन है, और जो हमने कुछ जैसे वर्कर्स की जो मांगे थी, हम हमेशा वर्कर ओरिएंटेड कंपनी है, उनके वेलफेयर के लिए काम करती है फोर लाइन सर्विस, तो हमने जब भी उनने जैसा भी बोला है हमने उनके मार्गदर्शन के हिसाब से काम किया है, तो इसीलिए हिम्मत भी है। सर मैं बोलूँगा मेरी टीम के साथ में कि काफ़ी लोगों को अवार्ड मिले हैं, उसमें एक मैं भी हूँ, मुझे भी मिला है, तो मेरी टीम जस्ट आ रही है, अभी ऐसी आएगी तो मैं अपनी टीम के साथ में आपको एक इंटरव्यू दूँगा।
12 जितनी फिल्में मैंने लिखी हुई है, तो मुझे खुशी है कि हमारे कार्य को मतलब प्रोत्साहित करने के लिए अवार्ड दे रहे हैं। तो हम जब काम करते हैं उसका इस तरीके से कुछ फल मिलता है तो अच्छा लगता है, और इसलिए यूनियन का थैंक यू, अभिजीत राणे सर का थैंक यू, और सब मीडिया वालों का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अभिजीत राणे इस अवार्ड से सोशल वर्कर एक्टर प्रोड्यूसर के नाम से आवाज़ आएगी क्या? आएगी। तो सबसे पहले मैं अभिजीत राणे जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी एंड धड़क यूनियन को थैंक यू बोलना चाहूँगी एंड आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू। बहुत सारे आ रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक अभी हमारी मूवी आ रही है तो रवि किशन जी के साथ में, और बहुत सारे एक्टर हैं आर्टिस्ट हैं, सो होपफुली बहुत जल्दी रिलीज होगी, थोड़ा टाइम। थैंक यू मैम। हमारे धड़क वुमेन एम्पावरमेंट एसोसिएशन के मेंबर्स को हमें सम्मानित किया है, इसकी वजह से हमको बहुत मोटिवेशन होता है। थैंक यू अभिजीत जी, और जय महाराष्ट्र। और ये इस महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और ये है हमारे सारे धड़क वुमेन एम्पावरमेंट एसोसिएशन के मेंबर्स, जैसे अनु जी है जो बेकरी प्रोडक्ट्स बनाती है, केक्स बनाती है, फरीदा फ्रॉम फिद्रा प्रोडक्ट्स जो यू नो वैरायटी ऑफ पिकल्स और नट बटर्स उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, देन अर्चना शाह जो न्यूमरोलॉजिस्ट है एंड शी इज ऑल्सो टैरो रीडर एंड शी हैज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ यू नो शी इज जस्ट लॉट ऑफ आई डोंट यू से हेल्पफुल है वो एंड आई एम वेरी थैंकफुल। ये मेरा सेकेंड टाइम है महाराष्ट्र डे अभिजीत राणे जी के साथ। थैंक यू मैम आपको भी। और आपको सम्मानित किया गया, क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा जोर से बोलेंगे प्लीज। सेंट्रल रूम में
आज महाराष्ट्र दिवस है, कामगार डे है और धड़क कामगार यूनियन के नेशनल प्रेसिडेंट अभिजीत बनर्जी साहब ने जो यहाँ पे सुंदर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है, अवार्ड दिया है लोगों को, क्या कहना चाहिए? तो आपको पता है कि मैं इस धड़क कामगार यूनियन से जुड़ी हुई हूँ और एक मेरा ओहदा है जो मैं पूरे महाराष्ट्र की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे काम कर और ये अवार्ड जब हमारे सर या मेरे भाई देते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो काम करते हैं ये उनका हक है और उनको एक अप्रिशिएट जो किया जाता है ना, ये इसी तरीके से किया जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे यूनियन के ज़रिए जो जुड़े हैं तो और भी लोग आए और जुड़े, इस तरीके से काम करें और हमारी यूनियन जो है बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये फंक्शन होता है तो लोगों को हम जुड़ाते हैं और हमारे करीब आने का भी मौका देते हैं और हम भी उनके करीब जाते हैं। लेबर्स डे के लिए तो मैं यही संदेश दे देता हूँ क्योंकि मैं बहुत छोटी दुनिया से आई हूँ तो मैं जानती हूँ कि लेबर्स जो होते हैं बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं तो उनको बहुत मुश्किल होता है कि कहीं ऊपर जाना। तो ऐसी एक संगठन जब आपको मिलती है तो आपको ऊपर जाने का मौका जो होता है, एक स्टेप की जगह दो स्टेप आप ज़्यादा चढ़ सकते हो। तो ये ऐसी संगठन है कि लेबर्स लोगों के लिए बहुत काम भी करती है और उनके लिए एक मतलब एक अच्छी जगह कह सकते हो या उनके लिए एक ज़रूरतमंद की जो जगह होती वो जगह है। ये मैं इनके लिए, अभिजीत भाई के लिए और लेबर्स लोगों के लिए, दोनों के लिए, और आप सबका भी शुक्रिया कि आप लोग इतना रिस्पेक्ट देते हो और मुझे जानते हो। थैंक यू। देखिए सबसे पहली चीज ये कि हम लोगों को आज एक साथ में हम लोगों को रानी साहब ने बुलाया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और आज महाराष्ट्र दिवस है, ये हिंदुस्तान में बहुत सभी लोग मनाते हैं और हम लोगों को मनाना चाहिए। और कामगार धड़क यूनियन की तरफ से रानी साहब ने हम लोगों को बुलाया, इसमें हमारे फुरकान भाई, हमारे निज़ाम भाई और सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और सब लोग इस दिवस का पूरा पूरा ये जो है साथ दे रहे हैं और सब साथ में है। रानी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है और मेरे साथ में जितने भी लोग आए हैं यहाँ पर, कोई भी आया है, मैं उनका कोई भी काम करने में, उनके साथ चलने में कोई भी चीज़ की लापरवाही नहीं करूँगा और हमेशा कलम, हमारे कलम फाउंडेशन की तरफ से मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी काम के लिए हम रानी साहब का और आप लोगों के सब साथ में रह के काम करूँगा। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय हिंद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आप सुनना चाहते हैं? राणे साहब ने इतनी बड़ी कार्यक्रम किया, क्या बोला चाहते हैं आप? अभिजीत राणे साहब हमारे बड़े भाई हैं, हर बार प्रोग्राम में हम आते हैं उनके साथ, उनका हौसला बढ़ाते हैं और लेबर डे का जो भी आज महाराष्ट्र उत्सव है, मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अभिजीत राणे साहब को और पूरे महाराष्ट्र की जनता को देना चाहता हूँ हम दोनों भाई की तरफ से। और उनको आने वाले उनके जीवन में जो भी उनकी मनोकामना है, हमारी दुआ रहेगी कि वो सब मनोकामनाएं उनकी पूरी रहे। आप कुछ बोला छोटे भाई? जक्की भाई, मैं जक्की पटेल, हमारे बड़े भाई अभिजीत राणे जी को आज महाराष्ट्र कामगार दिन के अवसर पर, महाराष्ट्र दिन के अवसर पर हमारे देश के आवाम को और पूरे देश के परिवार को मैं आज महाराष्ट्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही साथ हमारे बड़े भाई अभिजीत राणे को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छे से, इतने उल्लास से आज ये महाराष्ट्र कामगार दिन का, महाराष्ट्र दिन का प्रोग्राम मनाया और हर साल वो मनाते हैं। और साथ ही साथ जितने युवक है, जितने रोजगार है और जितने हमारे लेबर है, सभी लोगों को लेकर चलते हैं, सभी लोगों को कामगार के अवसर दिलाते हैं और सभी लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं अल्लाह और ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि इसी तरीके से वो सभी हमारे देश के आवाम को लेके चले, हमारे महाराष्ट्र की आवाम को लेके आगे बढ़े। और फिर से मैं हमारे बड़े भाई अभिजीत राणे जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। थैंक यू सर। आपको अवार्ड से सम्मानित किया गया, किस
लिए अवार्ड दिया गया बताएं। यस, मैं मुझे बहुत अच्छा लगा अभिजीत जी ने मुझे यहाँ पे बुलाया और इतना सम्मान दिया। धड़क कामगार यूनियन की तरफ से मुझे ये अवार्ड मिला और आज महाराष्ट्र दिवस है, उसकी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत सम्मानित किया। और अभिजीत जी हमारे एकदम फैमिली मेम्बर हैं और हमारे मतलब क्या बोलूँ, उनके बारे में बहुत अच्छे इंसान हैं, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। बस सबसे पहले मैं मीडिया को धन्यवाद बोलूँगा और अभी हमारे सहयोगी अपना शंकर जी ने पूछा कि आपको किस लिए अवार्ड मिला। बेसिकली हमारा भी एक, मैं भी कि हम दोनों एक ऑर्गेनाइजर हैं और हमारा एक कंपनी है जिसका नाम है शिवा मीडिया वर्क, # शिवा मीडिया वर्क आप लोग भी टैग कीजिएगा। बेसिकली हम लोग मूवी बनाते हैं, अवार्ड शो करते हैं, इवेंट करते हैं अच्छे लेवल पे। इवेंट तो हर कोई करते हैं लेकिन हम लोग का जो इवेंट होता है वो अलग ही लेवल पे होता है, तो इसलिए हम लोग एक सोशल वर्कर और अवार्ड भी कराते हैं तो सोशल अवार्ड कराते हैं, इसलिए हमें अवार्ड मिला। और मैं अभिजीत सावंत जी को दिल से धन्यवाद बोलता हूँ, अभिजीत राणे जी को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इन्वाइट किया, हमें इस मंच पे सम्मानित किए, उसके लिए मैं, और आज महाराष्ट्र दिवस है तो मैं सारे देशवासियों को महाराष्ट्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। पहले सबको बहुत बहुत बधाई, ऊपर रख दे। मेरा नाम पवन सक्सेना है और मैंने किताब लिखी थी चंबल का शौर्य, आपको दिखा दूं, इसको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिल चुका है और इस किताब ने मुझे अच्छी पहचान दिलाई है। पिछले 15-20 साल से मैं यहाँ राइटिंग कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन ये साहित्यिक और साहित्य की तरफ मेरा कदम पहला है, इसको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला है। यहाँ पर जो मुझे बुलाया गया है, एससी उपलक्ष्य में बुलाया गया है, मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पर सारी मतलब अलग अलग विधाओं से लोग आ रहे हैं, चाहे वो राइटर हों, चाहे वो कविता लिखते हों या अलग अलग टेक्नीशियन हों, उन सबका सम्मान हो रहा है, ये जान के बहुत अच्छा लग रहा है। और अभिजीत जी रानी जी जो काम कर रहे हैं, सचमुच बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक बड़ा परिवार तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सर। लेबर डे भी है और उसी दिन आपको सम्मानित किया गया, आपको मैं सभी को देता हूँ अवार्ड और मैं मुझे आज मिला है, तो थैंक यू सो मच अभिजीत राणे साहब और थैंक यू तमाम मेरी मीडिया को, मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम सभी को, महाराष्ट्र दिवस की हार्दिक शुभेच्छा अभिनंदन तमाम मेरे मराठी बंधुओं को, मेरे मराठी भाई को, सभी को महाराष्ट्र दिवस का हार्दिक तो अभिनंदन, मेरी तमाम मेरी मीडिया को। और आज बहुत अच्छा कार्यक्रम है, मुझे ये अवार्ड मिला है और अच्छा लग रहा है क्योंकि दुनिया को मैं अवार्ड देता हूँ और आज मुझे मिला है। एंड थैंक यू सो मच दादा, एंड थैंक यू आप मीडिया जो हमें इस गरीब को आप दिखाते हैं, बाकी कुछ नहीं सर। मैम आप इतने खूबसूरत भी हो, इतने अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, तो प्रोग्राम भी है, आपको अपने बारे में बताया, मैम अवार्ड किस लिए मिला है बताइए। मुझे एज एन एक्टर एंड मॉडल अवार्ड मिला है और बहुत ही खूबसूरत दिन ये अवार्ड मिला है मुझे, थैंक यू सो मच अभिजीत राणे जी, बहुत अच्छा लगा कि जो भी सम्मानित किया गया उसके लिए। और ये चीज़ है कि सारे जो लोग हैं यहाँ पे जो सब काम करते हैं, आज जैसे लेबर डे है तो इन लोगों को इतने अच्छे से जो प्लेटफॉर्म मिलता है, क्योंकि एक्टर्स और इनको तो काफ़ी टाइम मिलता है, बट जो इनको प्लेटफॉर्म मिला है वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, सब इतने खुश थे एंड आई लव बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस। मैम आपका आने वाला कुछ पेटा रहा है, क्या क्या आ रहा है कुछ प्रोजेक्ट? हाँ मैं कल शूट पे जा रही हूँ, मेरी एक फिल्म आने वाली है जो स्टार्ट होने वाली है, मैं सारा डिटेल्स उसका अनाउंस करने ही वाली हूँ कल, एंड इट इज़ द नेम ऑफ द फिल्म इज खोज, एंड कल से मैं शूट पे जा रही हूँ उसी प्रोजेक्ट के लिए। थैंक यू सो मच जी, आप दोनों को बहुत बधाई वाली। सर देखिए मेरे पास तो सब अवार्ड होता है, दार्शनिक मुंबई न्यूज़पेपर की मेरा माध्यम से मैं 2012 से मैं अवार्ड शो कर रहा हूँ, लोग आजकल अभी कर रहा है, मैं 2012 से दार्शनिक मुंबई प्रेस मीडिया अवार्ड, जिसमें संजय भूषण हो गया, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बाद में मुझसे थोड़ा दूर चला गया, कोई नहीं, लेकिन संजय जी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरा पहला शो में 2012 में,
और बहुत अच्छे मुझे सब वो सपोर्ट किया सब वो सभी ने, तो उसी में सभी मैं अवार्ड देता हूँ जिसमें कामगार भी है और आप भी तो आपने पता ही है ना भाई पाटिल जी, तो बस करते हो इतना सुना आपको टिकट मिल सुनो सर मैं बेकार हूँ, मैं लड़ने वाला नहीं हूँ, मैं लड़ाएंगे हाँ। मैं मध्य प्रदेश गया था, मैं मध्य प्रदेश गया था और देखिए क्या होता है, मैं कुछ कुछ जगह पे जो मेरे जो दिल का है जो एमपी है जो मुझे बेटा की तरह मानता है उनके लिए मैं गया, बाकी आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और 24 जून को दुबई कर रहा हूँ राजा फाल्के, इस बार तीसरी बार मोदी जी का तीसरी बार हैट्रिक और कल्याण जी का तीसरी बार हैट्रिक। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू। जी हाँ, आज सबसे बड़ी तो ये बात है कि आज हमारा महाराष्ट्र डे है, मुंबई में 1 मई का डे है, और उससे भी बड़ी खुशी की बात ये है कि मेरे लाडले चहीते धड़क कामगार के संस्थापक अभिजीत राणे साहब ने एक बहुत ही बड़ा फंक्शन रखा और जितने भी उनके कार्यकर्ता या उनसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितनी संस्थाएं उनसे जुड़ी हुई है, मतलब सुबह से अभी तक 15,000 से ऊपर ज़्यादा लोग आ जाए, और उन्होंने उनका सम्मान बढ़ाने के लिए धड़क कामगार यूनियन का एक अवार्ड बनाया जो उनको प्रोत्साहन दिया गया लोगों को कि जो जो अपने साल भर में उन्होंने जो भी अचीव कमाया, जो भी सेवाएं की लोगों की, तो ये समझिए कि ये 1 मई का दिन हमारे लिए जस्ट लाइक दिवाली का दिन है, एक तरीके से सबसे बड़ा दिन है। और मैं अभिजीत राणे साहब को, उनके परिवार को, उनके सारे सदस्यों को, क्योंकि मैं भी वन ऑफ द पार्ट हूँ उनका, और ख़ास करके उनके सारे मीडिया को, क्योंकि मीडिया एकदम ऐसा लगता है कि लाइमलाइट हो जाता पूरा, तो आसमान जगमगा रहा है उस तरीके से इनके यहाँ मीडिया आता है, मीडिया का भी बहुत बड़ा सहयोग है हम लोगों को, तो धड़क कामगार के जितने भी संयोजक हैं संस्थापक हैं सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, आप सब आए आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। और आज मुझे ये अवसर मिला कि मेरे हाथों कई लोगों का सम्मान करवाया अभिजीत भाई ने, तो मैं बहुत खुश हूँ और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो सदा ही खुश रहे, आबाद रहे, तंदुरुस्त रहे, और इसी तरीके से ता उम्र मतलब सदियों तक दुनिया, जब तक दुनिया चलती रहे धड़क कामगार ऐसे ही सेवा करती रहे, यही मेरी शुभकामना है। नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय महाकाल, जय महाराष्ट्र। पहले तो मैं आज सबको महाराष्ट्र की शुभकामनाएं देती हूँ, कामगार यूनियन को भी शुभकामना देती हूँ। मैं अभिजीत राणे जी का थैंक्स कहती हूँ जिन्होंने हमारे काम को काबिल समझा और हमको एक सम्मान से सम्मानित किया, इसलिए इनका दिलो जान से धन्यवाद है। और इन्होंने जो समाज के लिए इतना काम करे, जो खुद इतना करने के बाद भी पिक्चर में बाद में आते लोगों को आगे कर दे, तो इनकी दरिया दिली है, इनको दरिया दिली को मैं सलाम करती हूँ और अभिजीत राणे जी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आई एम रियली ऑनर्ड टू रिसीव दिस अवार्ड, थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड थैंक यू सो मच अभिजीत राणे जिन्होंने इतना लोगों को सपोर्ट किया आगे बढ़ाने में, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कुछ काम करके दिखाने का एंड समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो फिर और जय महाराष्ट्र। एंड आई एम प्रभावी पाठक एंड मैं एक्ट्रेस हूँ एंड मॉडल। बहुत अच्छा लग रहा है, सबसे पहले तो आप लोग आते हैं वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी अवार्ड शो हो, फंक्शंस हो, जब तक आप लोग नहीं आएंगे कोई इंटरेस्ट मज़ा आता नहीं है, तो थैंक यू सबसे पहले आप सबको शुक्रिया। एंड अच्छा लग रहा है, मुझे बेस्ट एक्ट्रेस एंड मॉडल का अवार्ड मिला है। बाय द वे मैं नेक्स्ट एक अवार्ड शो कर रही हूँ, फिर आई होप कि आप सब लोग भी वहाँ आएंगे। थैंक यू। मैंने 4 फिल्में की हैं, सजनी, पीयून, दिशा, और अभी एक साउथ फिल्म कर रही हूँ धनिका, जिसमें हमारे सलार और KGF के विलन हमारे गरुणा सर हैं, उनके साथ मैं ये फिल्म कर रही हूँ। फर्स्ट टाइम मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट कर रही हूँ, उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष श्री अभिजीत राणे के माध्यम से आज ये सबसे बड़ा एक्सेलेंस अवार्ड का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। सबसे पहले
इस धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष श्री अभिजीत राणे जी को मैं बधाई देता हूँ। और सुबह से लेकर 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक ये ऐसा अनोखा एक्सलेंस अवार्ड का कार्यक्रम, जैसे कि मानते हैं कि देश भर में बहुत सारे कामगार क्षेत्र में काम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक घरेलू कामगार से लेकर टैक्सी चालक तक, टैक्सी से लेकर रिक्शा तक, रिक्शा से लेकर महानगर पालिका तक, अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के हित को प्राधान्य देते हुए उनको हर तरफ के कामों के लिए सुविधा देना, उनके न्याय अन्याय के लिए लगातार प्रयास करना, इसके लिए धड़क कामगार यूनियन महासंघ का प्रभाव कामगार के क्षेत्रों में, मजदूरों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, बहुत भारी मात्रा में है। और इसके लिए आज का ये एक्सलेंस अवार्ड का कार्यक्रम पिछले 20 वर्षों से चल रहा है, यानी लगातार मजदूरों के क्षेत्र में काम करने वाले धड़क कामगार यूनियन महासंघ के अध्यक्ष अभिजीत राणे ये लगातार 20 वर्षों से आज के जैसा कार्यक्रम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कामगारों के क्षेत्र में या मजदूरों के क्षेत्र में काम करना, मुंबई पहले से ये मिल मजदूरों की वजह से एक शान और वैभव प्राप्त की, ऐसी हमारी मुंबई है। तो ऐसे क्षेत्र में अलग अलग कामगारों को न्याय दिलाने के लिए, उनको कभी तनख्वाह अच्छी मिले, उनको कभी सेहत अच्छी मिले, उनके आरोग्य की सुविधा अच्छी मिले, ऐसे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जाने जाने वाले अभिजीत राणे जी के इस धड़क कामगार यूनियन महासंघ के कार्यक्रम भी बहुत धड़क से होते हैं। जैसे अपना दिल धड़कता है, वैसे अभिजीत राणे जी के धड़क के माध्यम से बहुत सारे धड़कने वाले कार्यक्रम धड़ाधड़ होते हैं। और इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को, यानी सुबह से लेकर रात तक करीबन 10,000 लोगों का भोजन की व्यवस्था करना, अलग अलग लोगों के माध्यम से हमारे मजदूर भाई जो है या बहन जो है, अब थाना से आने वाली भी जो महिलाएं हैं, जिनके न्याय के लिए, जिनको अच्छा कारोबार का क्षेत्र है उसमें और विकसित भारत के सपने के साथ ये काम भी पूरा करने के लिए अभिजीत राणे काम करते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ईश्वर के चरण में प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे मजदूरों के नेता आने वाले समय में भी ये अच्छा काम करे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, ये विकसित भारत में मजदूरों को भी अपना हक मिले, इसके लिए प्रयास करने वाले हमारे अभिजीत राणे जी को मैं पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। और ये कार्यक्रम 20 नहीं बल्कि आने वाले और 80 साल तक, यानी 100 वर्ष पूरे करे, ऐसी इनको शुभेच्छा देता हूँ और आप सबको धन्यवाद। महाराष्ट्र डे है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे महाराष्ट्र डे के लिए? आज का महाराष्ट्र का, हमारे संयुक्त महाराष्ट्र के आंदोलन के पश्चात महाराष्ट्र बना, 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की निर्मिति हुई, और उसी के साथ साथ आज इसे कामगार दिन भी कहा जाता है। हुतात्मा बाबू गेनू की याद भी हमें आती है, जिन्होंने ब्रिटिश गुलामशाही के विरुद्ध में, ब्रिटिश जुलुम के खिलाफ, यहाँ पर विदेशी कपड़ा न हो करके विदेशी कपड़ा की होली करने वाले और विदेशी कापड़ से भरे हुए ट्रक को, खुद को सरेआम उस ट्रक के सामने झोंकते हुए अपने आत्मा का बलिदान करने वाले हुतात्मा बाबू गेनू को भी हम आज कामगार दिन के रूप में याद करते हैं। पर ऐसे महाराष्ट्र दिन और कामगार दिन के माध्यम से लाखों करोड़ों कामगारों को हम शुभेच्छा देते हैं। महाराष्ट्र ये हमारा महाराष्ट्र है, आणि मुंबईमध्ये राहत असलेल्या सर्व कामगारांना, तसेच महाराष्ट्रामध्ये राहत असलेल्या कोटी कोटी जनतेला आजच्या महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा आपण देतो। त्याचसोबत कामगार दिनाच्या निमित्ताने करोडो कामगार आपल्या घामाने, परिश्रमाने, मेहनतीने आयुष्यभर अनेक उद्योगधंद्यामध्ये कामं करतात, मग रेल्वेचा पूल असो की रस्त्याचा ब्रिज असो, रस्ते असोत की एखाद्या गाडीची निर्मिती असो की विमानाची निर्मिती असो, कामगार आपलं काम करत असतो श्रमाने आणि घामाने। त्याचसोबत संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये ज्या हुतात्म्यांनी बलिदान केलं, आपले प्राण अर्पण केले आणि संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ यशस्वी करून मुंबई महाराष्ट्रामध्येच ठेवली, त्या महाराष्ट्राच्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीमध्ये हुतात्मा झालेल्या 105 हुतात्म्यांच्या पवित्र स्मृतीस आपण विनम्र अभिवादन करतो। आजचा 1 मेचा महाराष्ट्र दिवस हा कोटी कोटी महाराष्ट्राच्या
जनतेच्या मनामध्ये आपल्या सर्वांच्या हृदयामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचाराने आणि परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेच्या आधारे चालणार आपला देश आणि आपला महाराष्ट्र हा निश्चितपणाने महाराष्ट्र क्रमांक एकचं राज्य या देशामध्ये बनेल असा विश्वास या महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने व्यक्त करतो. विनोद सर आपसे जानना चाहेंगे. विनोद सर बोलिए ना छोटू, एक एक पॉइंट में दे दो. उपलक्ष्य में और कामगार दिन के उपलक्ष्य में जो एक्सीलेंस अवार्ड सालों साल से करते आ रहे हैं अभिजीत राणे जी, मैं उनको ढेर सारी शुभकामना देता हूँ और ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, माँ भवानी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि माँ भवानी उनको ऐसे ही स्वस्थ रखे, मस्त रखे कि वो कामगारों का हित जपते रहें. और मैं उनको बीएमसी में जो सफाई कर्मचारी है उसके हित के लिए भी लड़ते हुए देखा हुआ है. हर व्यक्ति को काम और काम को उचित दाम और साथ ही साथ इंश्योरेंस पे भी बहुत अच्छा काम इन्होंने, चाहे ऑटो रिक्शा हो, टैक्सी ड्राइवर हो, चाहे इंजीनियर्स हो, हर क्षेत्र में इन्होंने काम किया है. और मैं फिर से जैसा कि राणे साहब ने बताया कि और 80 साल करें यानी 100 साल पूरा करें और 100 साल इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ. ज्ञानमूर्ति जी आप क्या कहना चाहेंगे इस तरीके से? देखिए आम तौर पर तो ऐसे जो ये अवार्ड विनिंग का कार्यक्रम होता है वो सेलिब्रिटीज़ लोगों को दिया जाता है, लेकिन आज मैंने देखा यहाँ पर कि एक कामगार लोगों का भी अवार्ड देकर के सम्मान करना पहली बार मैंने देखा है. इसलिए अभिजीत राणे जी का मैं बहुत बहुत उनका अभिनंदन करना चाहूँगा. एक बात जरूर कहूँगा, जैसे वो वजनदार हैं वैसे वजनदार काम भी करते हैं, इसके लिए उनको मैं शुभेच्छा देता हूँ. धन्यवाद. अभिजीत राणे जी आप क्या कहना चाहते हो? आपके बड़े भाई सुनील राणे जी, विनोद सर अपना कीमती वक्त निकाल के आपके पार्टी प्रोग्राम में इधर आए, क्या कहना चाहते हो? हमेशा ही हमारे लिए हमारे बड़े भाई पिता तुल्य समान हमेशा ही मुझे ऊर्जा देने का काम आदरणीय सुनील राणे जी करते आए हैं, करते रहेंगे, आगे तक करते रहेंगे. आज ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम का जो प्लानिंग है वो प्लानिंग भी उनके मार्गदर्शन में हुआ है. मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा सुनील राणे जी का, विनोद मिश्रा जी का, ज्ञानमूर्ति जी का कि आज ये वहाँ ये आज आए. आज सुबह से लगभग 10,000 से ज़्यादा वर्करों ने आकर ये कार्यक्रम को यशस्वी किया, उन सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा. और इसी तरीके से आप सबका आशीर्वाद बना रहे, सुनील राणे जी का मार्गदर्शन हमेशा ही बना रहता है. मुझे सुबह ही आदरणीय हमारे महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने फ़ोन करके शुभेच्छा दी और ये कार्यक्रम यशस्वी करने के लिए उनका भी आशीर्वाद, उनका भी मार्गदर्शन रहा है. वो हमेशा ही हमारे पीछे एक बैकबोन के तरीके से हमेशा रहे हैं, खास करके उनका भी विशेष आभार. धन्यवाद सर. एक आपने 1,000 दुकानों का वादा किया हुआ है सर, क्या है दुकान? हमारे महिलाओं जो महिलाएँ हैं, जो अपने हाथ पर काम करने वाली जो महिलाएँ हैं, उनके लिए हमने चेन ऑफ शॉप्स पूरे मुंबई में खोली हुई है. लगभग अब तक 90 दुकान हम अलग अलग मॉल्स में मुंबई के खुले हुए हैं और निश्चित तौर पर पूरे महाराष्ट्र में हम लगभग 2026 तक 1,000 दुकानों की चेन ऑफ शॉप्स खोलने वाले हैं, जहां पर ये महिला जो काम करते हैं, जो उनके हाथों से जो चीज़ें बनाई जाती हैं, वो दुकानों में हम हैंडीक्राफ्ट के माध्यम से बेचने का काम करते हैं.